बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले महेश जैन ने आरोप लगाया था कि इंदौर के खजराना क्षेत्र में रहने वाले इलियास कुरैशी ने उसकी पत्नी और 8 साल के बच्चे का अपहरण किया है। पुलिस ने जांच में यह आरोप सही पाया और इलियास को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई। इलियास के कब्जे से पत्नी और बच्चे को बरामद करके बच्चे का जब मेडिकल परीक्षण कराया तो उसके खतना होना भी पाई गई। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि इलियास कुरैशी ने अब तक कई लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया है, जिसकी पुलिस विस्तार से जांच कर रही है। को पूरा मैसेज था कि उनका धर्मांतरण हो गया है, उसका खतना करवा दिया है किसी मौलवी से और इसका फेक डॉक्यूमेंट भी बना दिया है। तो मैंने यहाँ आके इसके मेरे सोर्सेज पर मैंने जाँच की तो हमने इनका मेरे जो पुत्र मनन है, मनन जैन का, उनके नए नाम से, मुस्लिम नाम से मोहम्मद मनान अहमद, पुत्र इलियास अहमद के नाम से इन्होंने जन्म प्रमाण पत्र मार्च महीना 2023 में इंदौर में बनाया और उसके आधार पर इन्होंने ग्रीन वैली स्कूल जो खजराना में है वहाँ इसका एडमिशन भी करवा दिया है। जब मुझे ये मालूम पड़ा तो हम यहाँ आए, टीएस साहब को बात की खजराना थाने में, तो उन्होंने हमारे से डॉक्यूमेंट मांगे, हमने एविडेंस के रूप में डॉक्यूमेंट दिए और हमने ये भी कहा कि उनका खतना करवाया, आप इसकी मेडिकल करवाएं। इस आधार पे हमारी कायमी, हमारी जो आवेदन दिया था उस पे कायमी हुई। जी हाँ, किस तरह का मामला सामने आया है कि जो है जैन समाज के जो है बच्चे को जो है धर्म परिवर्तन कराया गया था? इसमें पीड़ित के पिता ने एक आवेदन दिया था जिसमें बताया था कि उनका एक अवयस्क बेटा है जो कि उनकी पूर्व पत्नी के साथ है और उसके द्वारा अपने प्रेमी के साथ जो है चली गई थी वो, और उसके जो प्रेमी है इलियास ने उस बच्चे का धर्म परिवर्तन किया है और उसका खतना कराया है। इस पर भी हम लोगों ने संज्ञान लिया और साथ ही ये भी बात सामने आई कि उसका जो है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया जिसमें कि पिता की जगह पर उसने आरोपी ने खुद का नाम लिखा है और ये प्रमाण पत्र भी कहीं बाहर से तैयार कर रहा है क्योंकि उसका मूल जन्म जो है राजस्थान में हुआ था बच्चे का। एक बात का उल्लेख और करना चाहूँगा कि आरोपी ने 10 साल पहले भी पीड़ित की पत्नी का अपहरण किया था और उस आरोप में उसे 10 साल की सज़ा हो चुकी है। सज़ा पूरी होने के बाद उसने फिर से उसकी महेश की पत्नी और उसके इस बार उसके बच्चे को भी साथ में अपहरण कर लिया, जिसको कि पुलिस ने बरामद कर लिया और अब वैधानिक कार्रवाई पुलिस कर रही है और तफ्तीश से जांच करने में लगी है कि हो सकता है ये किसी बड़े गिरोह का हिस्सा भी हो सकता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।